हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे? वेरी गुड। फिफ्थ क्लास के बच्चों, आई एम योर टीचर फ्रॉम एसएस कॉन्वेंट स्कूल भोपियामऊ प्रतापगढ़। ओके बेटा, तो चलिए हम लोग अपना फिफ्थ क्लास के जो हमारा सेकंड चैप्टर है, एक याद है ना, तो आगे पढ़ें। ओके बेटा, चलिए पढ़ते हैं। तो बेटा, ये चैप्टर एक याद हमने पढ़ा हुआ है, तो चलिए एक बार से हम लोग दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, जैसे आपको पता है कि जो आपके प्रथम प्रधानमंत्री थे, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना? उनका जन्म कहाँ हुआ था? यस, कहाँ? इलाहाबाद में। और आजकल उस जगह का नाम क्या हो गया है? प्रयागराज, है ना? तो उनका, आप लोग गए थे वहाँ पे, आपने देखा था वहाँ पे, है कि नहीं? आप गए थे कि नहीं? गए थे ना, आनंद भवन, वहाँ पे आप लोगों ने उनके घर को देखा, उनके निवास स्थान को देखा, वहाँ पे जिस जगह पे इंदिरा गांधी जी, है ना, पढ़ती थी, रहती थी, वहाँ पे सभाएं उनकी जो होती थी, वो आप लोगों ने अच्छे से देखा था। देखा था कि नहीं, है ना? कितना अच्छा लगा था। तो इस प्रकार बेटा, उन स्थानों पे जाके आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, है कि नहीं? कि वो किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, वो जो टोपी लगाते थे वो किस तरह की होती थी, है कि नहीं? है ना बेटा? तो इस, ये जो एक याद जो आपका पाठ है, इस पाठ में उस बालिका ने, है ना, उसने अपने, जब नेहरू जी से वो मिली थी, तो जो सीख उसको मिली उस बच्ची को, उसने वो बताने का प्रयास किया था, है कि नहीं? तो इस प्रकार बेटा, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और बच्चे उनको क्या बोलते थे? चाचा नेहरू, है ना? क्या बोलते थे? चाचा नेहरू बोलते थे, है ना? और वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। तो अब बच्चों से वो प्यार करते, तो बच्चे भी उनको प्यार करते थे, इसलिए हमारे देश में उनका जो जन्म दिवस, जो उनका दिन है 14 नवंबर, उस दिन उनकी याद में, कि बच्चे हमेशा उनको याद करें, उनकी याद में जो बाल दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को मनाया जाता है, ठीक है ना बेटा? तो इस प्रकार जो नेहरू जी हैं, उन्होंने देश के लिए बहुत योगदान दिया है, देश के लिए बहुत काम किए हैं, है ना? उन्होंने ही, जब देश आज़ाद हुआ, तो उन्होंने स्वतंत्र भारत की जो बागडोर है, उन्होंने अपने हाथ में ली, और हमारे देश को सशक्त बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया उन्होंने, है कि नहीं? तो इस प्रकार से बेटा, उन्हों और वो हमको शिक्षा भी बहुत अच्छी देते थे, कि जैसे उस बच्ची के हस्ताक्षर जो उन्होंने किया था, और उस पे जो उन्होंने एक संदेश लिखा था, क्या लिखा था संदेश? कि क्या, कभी हार मत मानो, है कि नहीं? क्या लिखा था? कभी हार नहीं मानना चाहिए, और कठिनाइयों में भी हंसना सीखो। कितनी बड़ी बात उन्होंने उस बच्ची को समझाई, है कि नहीं? तो इस प्रकार से बेटा, जब भी आप किसी मुश्किल में पड़ो, है ना, किसी मुसीबत में फंसो, तो आप कुछ ना कुछ समाधान उसका निकालिए, कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन ज़रूर निकालिए, ताकि आप, है ना, कि आप अभी आप बच्चे हो, और बच्चे हो तो कभी बेटा गलत काम नहीं कीजिए, गलत काम नहीं करोगे तो आप कभी परेशानी में फंसोगे ही नहीं। तो इस प्रकार से बेटा, जो नेहरू जी हैं, उन्होंने जो हमारे देश के नवयुवक हैं, है ना, या जो युवा पीढ़ी है, उनको अनेक प्रकार से संदेश देते हैं, कि किस प्रकार उनको हर भाषा का, है ना, खिचड़ी भाषा का प्रयोग नहीं कीजिए, है ना? जैसे उस बच्ची के लिए उन्होंने कहा कि इंग्लिश में बोला तो मैंने साइन अंग्रेजी में किया, फिर संदेश बोला तो हिंदी में, है ना, शुभकामना उन्होंने लिखा, और अंत में उन्होंने, उस बच्ची ने तारीख लिख दीजिए, है ना, तो अंत में उन्होंने उर्दू में उन्होंने लिखा। तो इस प्रकार से बेटा, आप जिस भी भाषा को पढ़ो, जिस भी भाषा, है ना, जो जिस भी भाषा का प्रयोग कर रहे हो, तो पूर्ण रूप से उसी भाषा का प्रयोग होना ज़रूरी है। तो इस पाठ में बेटा, हमको यही सीख मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए। यस, क्या करना चाहिए बताइए? कभी हार नहीं मानना चाहिए,
बड़ों का आदर करना चाहिए, है ना, और जो अपनी मातृभाषा है ना, उसकी इज्जत करनी चाहिए। ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।